would say worth money. Telangana chicken tikka. क्या क्या ले रहे हो? पत्थर का गोश्त और चिकन टिक्का है ना, वो चिकन टिक्का विद आप लोग की जो ट्रेडिशनल पराठा है और चटनी. यस, पत्थर का गोश्त इज फैबुलस, फैब काफ़ी अच्छा है, नॉट स्पाइसी, नाइसली डन, राइटली टेंडर. चिकन टिक्का मेरी वाइफ को पसंद आया, लेकिन अच्छा मेरे लिए टॉप फेवरेट पत्थर का गोश्त है. वेरी डिलिशियस, थैंक यू सो मच. ये देखे ना जी, मुख्तलिफ किस्म का आइटम है यहाँ पर. अकबर दिया कबाब एंड कैटरर्स. ये क्या डाल रहे हैं भैया? चिकन मलाई कबाब. पक रहा है और इसे उल्टा जा रहा है, इसके तरकीब और इसके रंग में भी फर्क आ रहा है जैसे जैसे पकेगा, है ना? फेमस डिश यहाँ की, फेमस डिश. अच्छा, यानी ये डिश जिससे उसकी पहचान है, ये डिश खाने से लोगों की शान है और खाने के बाद पड़ती और ये की आन है. ये है पत्थर का गोश्त और इस आउटलेट का खास आइटम. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम हंजला है सर. हंजला. नीचे दहकती हुई आग और पत्थर का गोश्त, देखिए नाज़रीन कैसा कॉम्बिनेशन है. कबाब, मलाई कबाब, चिकन टिक्का, कोथमीरी टिक्का. आवाज भी दी जा रही है, तो मतलब दोनों पहलुओं से इसकी तैयारी हो रही है. और इधर पत्थर गोश्त तैयार हो गया. अरे वाह, बिल्कुल तैयार हो गया पत्थर का गोश्त, पूरी तरह तैयार हो गया. सब बैठकर बिल्कुल प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में खा रहे हैं. क्या खाया आपने? मलाई कबाब. मलाई कबाब. मैम आप और कुछ वेटिंग फॉर एनी ऑर्डर? हाँ, अभी ऑर्डर हम मंगवाए हैं, अभी हम मंगाए तेलंगाना चिकन टिक्का. अच्छा, जैसे आपके पास आएगा हम फिर आएंगे आपके पास. अच्छा, अच्छा. भाई देखो भाई, मटन सीख कबाब, चिकन टिक्का, पत्थर का गोश्त और मलाई बोटी कबाब. भाई सब तमाम चीज़ें खा चुके हैं आप? जबरदस्त टेस्ट था भाई. अच्छा, आप? मैं ये पत्थर का गोश्त ट्राई करा, जबरदस्त है. अच्छा, तो टेस्ट के बारे में दोनों का कलेक्टिव ओपिनियन क्या है? आई वुड से वर्थ मनी. पराठा, यहाँ का ये बाजार बर्फी से सजा है, ऐसे में जगह बात है और इसकी चमक और इसकी खूबसूरती में और भी निखार आ गया. मलाई कबाब, लच्छा पराठा. लच्छा पराठा. आ भाई हैदर, कितने तेज रफ्तारी के साथ हो रहे हैं, एंजॉय कर रही है. वैसे हमने फर्स्ट फेज में भी पूछा था इनसे, उस वक्त खा रहे थे आप. अब ये दूसरा आइटम है, क्या आइटम है ये? अच्छा, चिकन टिक्का. कैसा है इसका टेस्ट? बाबा आप बोलिए. अच्छा, बहुत अच्छा. मैम आप बोलिए. बाबा मुझे क्या, ठीक है. अरे आप भी बोलना पड़ेगा. जबरदस्त है, जबरदस्त. थैंक यू. चिकन ग्रेवी, बटर चिकन ग्रेवी. देखिए नाज़रीन, बटर चिकन और पराठे सरबरा किए जा रहे हैं और लोग बिल्कुल आराम से बैठकर फारिग हो रहे हैं. मटन रोगन गोश्त, पत्थर का गोश्त, रेशमी कबाब टिक्का खा रहे हैं. बहुत जायके का है. अच्छा, आपका पत्थर का गोश्त आ गया. अच्छा, बहुत लजीज. जी जी, क्या है टेस्ट? अच्छा है, बहुत बढ़िया. जनाब आप बोलिए. अलहमदुल्ला, बहुत ज़बरदस्त है जी.
और आप बेहतरीन बेहतरीन। अरे वाह क्या बात है। अब मैम आपको बहुत अच्छा है। मैंने पिछली बार खाया था, मुझे थोड़ा रबरी लगा था, ये बहुत अच्छा। नाउ इट्स ओके, थैंक यू। हम पहुँच गए हैं अकबर दियाँ कबाब सैंड चैटर, जहाँ पर रेशमी कबाब, मलाई कबाब, पत्थर का गोश्त, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। यकीनन जायके में अपनी एक उमदगी और बुलंदी रखते हैं। तो हम इस अकबर दियाँ कबाब सैंड चैटर्स का मुशाहिदा करेंगे, लोगों से रिव्यू लेंगे, खुद भी खाएंगे और अपने जायके से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। तो जुड़े रहिएगा एजे चैनल के साथ और अकबर मियां कबाब फैन कैटरर्स के साथ। दुकान पर लोगों का तांता बना हुआ है और इधर भी लोग खा रहे हैं और यहाँ भी लेने की रक्षक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हमारा आज इशाया है। गोश्त ये है, कश्मीरी कबाब ये है, मलाई कबाब और यह है रेशमी कबाब और यह है चिकन टिक्का। कोथमीरी कबाब, कोथमीरी कबाब जायका इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि हमारे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। अब लेते हैं मलाई कबाब। नाज़रीन कहते हैं कि जब बालाई किसी शहर में दाखिल होती है तो उसका मज़ा बिल्कुल ही अनोखा होता है। आज हम खाते हैं मलाई कबाब। वाह, दोनों बहुत ही शानदार जायका बिल्कुल गैर मुतज़ल्ज़ल है। उसकी मेकिंग बहुत शानदार है। कश्मीरी कबाब कबाब लच्छा पराठा के साथ रेशम जैसा मज़ा और जायका बिल्कुल ही अनोखा है। चिकन टिक्का, एक बाइट से दिल नहीं भरा तो फिर दूसरे पे भी हम करते हैं जायके की आजमाइश। हर बार उमदा और हमारे बाजू जो बैठे हुए वो लोग भी सिफारिश कर रहे हैं यहाँ के मुख्तलिफ डिशेज की। पत्थर का गोश्त, पत्थर को कहते हैं संग और हमारे संग है पत्थर का गोश्त। इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टोन मटन। और हमारे जो रफीक बैठे हुए बाजू वो कहते हैं कि इसको कहते हैं स्टोन मटन। वाओ, यानी जबान का जायका नहीं बल्कि जबान की इस्तलाहात भी हमारे रफीक से मिल रहे हैं। जब ऐसा होता फिर नाज़रीन अदब भी कामयाब, जायका भी कामयाब, ये डिश भी कामयाब। और ये पत्थर का गोश्त का जायका हम देखते हैं नाज़रीन। वाह 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 वाह, कितने वाह का है। क्योंकि नाज़रीन पत्थर का जो वजन होता है, जो उसका सॉलिडपन होता है, वो जायके की सूरत में नजर आ रहा है। जायके की कलियां टिंगलिंग, स्टेट बट्स आर टिंगलिंग बिकॉज द टेस्ट इज कमिंग इन ए वेरी एनॉर्मस वे एंड द टेस्ट एंड इट्स क्वालिटी इज इमैकुलेट। And this is possible only at Akbar Mian Kebabs and Caterers. You can come and visit at Street Food Shanti Nagar. A very exclusive stall is here where you can find all these items. Ekdam behtareen, har item hai ek number aur zaiqa mein bilkul apna sani nahi. Tabhi to kehte hain ki aaiye khaiye kebab se less behtareen dukaan Akbar Mian Kebabs and Caterers. चिकन टिक्का जी हाँ, चिकन टिक्का। मलाई पराठा कैसा है इसका जायका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हर हफ्ता यहाँ डिनर करके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन अकबर मियां कबाब के जिम्मेदार हमारे सामने हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम तालिब बिन सईद है। अकबर मियां कबाब का पूरा मेंटेनेंस मेरे हाथ में रहता है, पूरा कारोबार वगैरह जो भी मैं देख लूँ। क्या हमें क्या क्या मिलता है? हमें जी अपने पास कबाब से मिलते हैं, चिकन के, मटन के और ग्रेवी वगैरह मिलता है अपने पास, पराठे रहते, मरग रहता, बटर चिकन वगैरह।
जबरदस्त पूरे मटन के है, मटन के जो सारा इनके रेट्स तो बोलिए। प्योर पोटला मटन के रहते हैं, पोटला मटन रहता है अपने घर। मटन स्टार्टिंग है 15 गोश्त, अगर आप खाएंगे तो 320 रुपये में प्लेट पड़ेगा आपको। मटन बोटी का आप 280 का है, मटन सीख को आप 250 का है अपने पास। चिकन के कौन सा भी आइटम लीजिए 220 है, और डिफरेंट टाइप के वराइटीज़ है इसमें, और इसके अलग अलग रेट्स है। 220 से स्टार्ट है अपने पास चिकन के, मटन के स्टार्टिंग 350, 280, 250 ऐसा रेंज है अपने पास। मटन रीजनेबल रेट है, क्वान्टिटी वगैरह सब अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, जो भी सब्सक्राइबर है इस चैनल के, सबसे गुजारिश करता हूँ आइए आके हमारा शेष देखिए कबाब का एक बार खा के। नाज़रीन है, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ जो भी ये चैनल के नाम से आके बोलेंगे, ये चैनल में हम देख के आए उनको हमारी तरफ से डिस्काउंट रहेगा इंशाल्लाह।